और अब वक्त है उत्तराखंड फास्ट का, ये देखते हैं 13 जिलों की 13 खबरें फटाफट अंदाज में। सचिवालय में कोरोना से दहशत, कई सचिवों के दफ्तर किए गए सील। खटीमा में पुलिस ने बरामद की नाबालिग लड़की को लेकर भागने वाला युवक गिरफ्तार। रामनगर में सामने आए कोरोना के 42 मामले, शहर में बने 2 नए कंटेनमेंट जोन। पौड़ी में सीएमओ ऑफिस में 2 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना, ऑफिस को 2 दिन के लिए किया गया सील। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सेशन में उम्रदराज विधायकों को नहीं मिलेगी एंट्री, कोरोना के खतरे को देखते हुए फैसला। बागेश्वर में नेशनल हाईवे पर गिरा बोल्डर, कलना बैंड के पास हुआ लैंडस्लाइड। गौचर हवाई पट्टी पर सेना के जवानों का करतब, पैराशूट से उतरने का किया अभ्यास। रुड़की में चंद्रशेखर की मूर्ति को शिफ्ट करने पर विवाद, मूर्ति की फिर से पुरानी जगह पर रखने की मांग। चमोली जिला जेल से 2 कैदी फरार, उम्र कैद की सजा काट रहे थे कैदी। जनकपुर में पुलिस ने बरामद की 20 लाख की स्मैक, 2 लोग गिरफ्तार। मसूरी देहरादून मार्ग 60 घंटे से बाधित, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। हरिद्वार में पिंडदान संस्कार पर कोरोना की मार, इस बार लोगों को नहीं मिलेगी इजाजत। और केदारपुरी में निर्माण कामों में फिर से आई तेजी, आस्था पथ का काम पूरा, शंकराचार्य समाधि पर भी चल रहा काम।